इस जुमा की बड़ी फजीलत है और अहमियत है। ये मुसलमानों की हैबत और मुसलमानों की अजमत व शान का मज़हर है। और पहले से बुज़ुर्गों में इसके एहतमाम का और इस जुमा के ख़ास एहतमाम का ज़िक्र मिलता आया है। नबी अकदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा और उनके बाद उम्मत के अकाबिरीन ने इस जुमा का बड़ा एहतमाम किया। रिवायतों में ये मिलता है कि पूरे रमज़ानुल मुबारका में जितनी रहमतें रोज़ाना उतरती थीं वो सारी रहमतें आज के दिन अल्लाह उतारता है उतनी बराबर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है, ये भी है कि इसकी सातें यानी दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, इनमें से कोई घंटा ऐसा नहीं है जिसमें हर लम्हे अल्लाह करीम 6 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता। हर लम्हा इसका इस माह मुबारका के इस आखिरी जुमा में, काश हमारा नाम भी वो आज़ाद होने वालों में शामिल हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, एक रिवायत ये भी है कि आज अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और मोमिनीन से मुसाफा करते हैं और शाम होने तक इफ्तार तक फ़रिश्ते उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह करीम, मैं जिस मोमिन से मुलाकात किया उसकी तो मग़फ़िरत फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों की सिफ़ारिश पर उनकी मग़फ़िरत का आम ऐलान भी फरमाता है। ये आज के दिनों की बड़ी खसूसियत है, इसलिए इसका एहतमाम भी करते हैं। और वैसे दुनिया भर में